तो यार रिसेंटली मेरे पे ना अभी एक क्वेश्चन आया है कि गाड़ी में ब्लॉक कैसे किया जाए, तो इसके बारे में कुछ आप टिप दे सकते हो क्या? तो ये ब्लॉक उसी के लिए है, तो आ जाओ बताते हैं आपको कैसे ब्लॉक करें गाड़ी के अंदर। अब देखो इसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन उससे पहले सबसे मेन चीज़ आती है ना, वो आती है कैमरे की। तो आप भाई किससे ब्लॉक करने वाले हैं गाड़ी के अंदर? क्या आपके पास कैमरा है, क्या आपके पास एक्शन कैमरा है, क्या आपके पास मोबाइल है, वो डिपेंड करेगा। तो गाड़ी में ब्लॉक करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फोन, पहले हम बात करते हैं फ़ोन से, तो अगर आप फ़ोन से ब्लॉक करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास मेरी तरह आईफोन है जिस पर मैं अपना काफ़ी यूज़ करता हूँ ब्लॉगिंग करते समय, तो आप सिंपली इस तरह से पकड़ के ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे होते हैं और उसमें इस तरह से ब्लॉक करना सेफ़ नहीं होता है ना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैंने किया है इस तरह से यूज़ पहले अपने कैमरे को, लेकिन आजकल मैं नहीं करता हूँ ऐसे रिकॉर्डिंग। इसके लिए मैं अपना अलग से जो है सेटअप बनाया हुआ है मैंने पूरा, क्योंकि मेरी गाड़ी के अंदर अभी इस समय है, इसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ता है अपना एक्शन कैमरा। ठीक है, मैं अपने आईफोन से भी शूट करता हूँ, छोटे मोटे मेरे शॉट लेने होते हैं तब, या फिर लोकल में होता हूँ तब मैं अपने हाथ से कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं लंबी ट्रिप पर निकला हुआ हूँ तो वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है कि मैं अपने मोबाइल को ऐसे पकड़ा रहा हूँ और गाड़ी भी चलाऊँ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो ब्लॉग शूट हो रहा है ना, मेरे पास अभी कैमरा है DJI का एक्शन 4, उससे अभी ब्लॉग शूट हो रहा है। और जो गाड़ी के अंदर मेरे को गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, वो पड़ती है, तो ये वाले गैजेट्स हैं मेरे। एक ये मेरा ट्राईपॉड है ना, इसको मैं यहाँ पर फिक्स कर लेता हूँ ताकि यहाँ से एक शॉट मैं निकाल सकूँ अपना ड्राइविंग, यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ इस तरह से तो यहाँ से एक शॉट मेरे को आ सके, वो आता है इसके थ्रू। ठीक है, एक ये वाला है मेरे पास। अब ये GoPro का है, ये थोड़ा कॉस्टली आता है, ये GoPro का है, ये थोड़ा कॉस्टली आया था, कुछ 3000 रुपये का आया था मेरे को। अब इसके बहुत फ़ायदे हैं है ना, अब इसके फ़ायदे मैं आपको बाद में बताता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ कि एक मेरे पास ना एक और कैमरा है, वो है Insta360 ये वाला। इसका फ़ायदा काफ़ी रहता है जब मैं पहाड़ों में होता हूँ या फिर मुझे गाड़ी का बाहर के शॉट लेने होते हैं ना, तो मैं इसके थ्रू ले लेता हूँ, जिसमें कि इसके पास इसकी ना स्टिक है मेरे पास, जो कि इसको एक्सटेंड हो जाती है, काफ़ी पूरी एक्सटेंड हो जाती है, और इसके थ्रू मैं बाहर के शॉट आराम से ले लेता हूँ। और ये वाली एक और स्टिक है जो कि इस एक्शन 4 के साथ आई थी, ज़्यादा यूज़ मैं इसको करता नहीं, लेकिन कभी कभी ना काम आती है मेरे। और सबसे मोबाइल से यूज़ कर रहे हो तो ये आपको काफ़ी काम आएगा, ये है ना, तो ये आपके पास होना चाहिए, Olanji का है मेरे पास, तो ये आपके पास होना चाहिए, मोबाइल होल्डर टाइप चीज़ है। अभी जो मेरा सेटअप है ना, वो एक्शन कैमरे का कुछ इस तरह से है। तो इसमें क्या फ़ायदा मेरे को होता है कि ये छोटा सा स्टैंड है इसके अंदर, जो कि ट्राइपॉड बन जाता है। अगर मेरे को यहाँ पर अगर रख करके शॉट लेना है, तो मैं बड़ी इजीली इसको ऐसे शॉट ले सकता हूँ। अगर आपको गाड़ी में ब्लॉगिंग करनी है ना, देखो फ़ोन ठीक है आपके पास है, अगर आपको कैमरे में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप ऐसे काम चला सकते हो। अगर आपको गाड़ी में पर्टिकुलर आपको ब्लॉग करना है, तो आपके पास एक एक्शन कैमरा होना चाहिए, है ना। उससे ईजी हो जाता है कि आपको ना हाथ में लेकर के शूट नहीं करना पड़ता है, जो कि मत करो भाई, आपका दिमाग भटकता है जब आपके हाथ में चीज़ें होती हैं उस टाइम पर, है ना। तो इसलिए ये एक्शन कैमरा मैंने लिया था, गाड़ी के पर्पज से लिया था। अब मैटर ये है कि इन सब चीज़ों का सेटअप कैसे करना है। ये तो कुछ मेरे आइटम हो गए जो मेरे पास हैं, ठीक है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं या आपके पास कैमरा है, एक्शन कैमरा है आपके पास, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब मैंने गाड़ी में ना यहाँ पे एक माउंट लगाया हुआ है, जो कि चिपका हुआ है यहाँ पर, वो 3M टेप्स का आया था, ये साथ में आया था कैमरे के, वो मैंने यहाँ पे इसको लगाया हुआ। इसमें ना इस तरह के बोल्ट है, जिसमें ना आप अपने मोबाइल को, मोबाइल होल्डर को इस तरह से लगा के और मोबाइल को यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखो मैं अभी शूट करता हूँ तो अपने बैक कैमरे से ही शूट करता हूँ, क्योंकि इसकी क्वालिटी है ना वो फ्रंट से बेटर आती है, तो मैं कभी फ्रंट कैमरा यूज़ कभी नहीं करता हूँ, तो बैक कैमरा ही यूज़ करता हूँ। अब इसमें दिक्कत क्या है कि आपको डिस्प्ले नहीं दिखती है कि आपको क्या शूट कर रहे हो, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन ना ये एंगल ऐसा है कि आपका पूरा शूट हो जाता है। अब इसमें कोई फ़ायदा एक चीज़ और है, मैं इसको कुछ इस तरह से लगा लेता हूँ, है ना। अब मुझे सामने का शूट करना है, तो मैं इस तरह से शूट कर रहा हूँ इसके अंदर, अभी सामने का इसमें दिख रहा होगा आपको, है ना। और अगर मेरे को अपने आप को शूट करना है, तो मैं इसको इस तरह से घुमा लेता हूँ, तो ये जो है मेरे को शूट कर लेता है। तो ये एक छोटा सा मेरे को रहता है कि मेरे को बार बार मोबाइल पकड़ना नहीं पड़ता है। मैं इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ, और आगे का शॉट लेना है तो इस तरह से घुमा देता हूँ, और जब अपना शॉट लेना है तो मैं इसको इस तरह से घुमा लेता हूँ, तो ये बड़े आराम से इजीली शॉट ले लेता है। अब इसमें इसका स्टोरेज इतना अच्छा है, तो कोई दिक्कत इतनी होती भी नहीं है मेरे को। अब इसी बाउंड के अंदर ना मैं अपना जो मेरा भी एक एक्शन कैमरा है, इसको भी मैं इसमें बड़ी इजीली लगा लेता हूँ। अब देखो इस कैमरे का फ़ायदा क्या है, इस कैमरे का फ़ायदा ये रहता है मेरे को कि अगर व्लॉग शूट करना है ना, तो मेरे को सीधे इसके बटन दबानी है और ये रिकॉर्डिंग को चालू कर देता है,
तो मेरे को ना अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को और मेरे को व्लॉग स्टार्ट करना है तो यहाँ से बटन दबा के स्टार्ट कर दूंगा और यहीं से बटन दबा के इसको बंद भी कर दूंगा। तो मेरे को ना ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी है इसको स्टार्ट और बंद करने में। और अगर एक बार मेरे को ना अगर फ़ोन से शूट करना है तो पहले या फिर लॉक लगा रहता फ़ोन के अंदर तो उसको अनलॉक करो। तो ठीक है लॉक आप हटा दोगे लेकिन आपको फिर कैमरा ऑन करना है, उसके आपको बटन दबानी है और थोड़ा सा सेटअप बड़ा हो जाता है ना, वो कन्वीनियंट नहीं रहता आपको जब आप व्लॉग कर रहे हो तो गाड़ी के अंदर। तो ये छोटा सा डिवाइस रहती है, यहाँ पर मोबाइल काफ़ी जगह भी घेर लेता है। अब इसमें भी सेम चीज़ है, अगर मेरे को व्लॉग अपना लेना है अपने आप को शूट करना है तो मैं इस तरह से कर लेता हूँ, अगर मेरे को आगे का लेना है तो मैं इसको इस तरह से घुमा देता हूँ तो ये अपना आगे का शॉट लेना स्टार्ट कर देता है और बटन दबाई और ये देखो व्लॉग हो गया चालू। ठीक है अगर मेरे को अपना शॉट लेना है तो मेरे को सिर्फ इसको इस तरह से घुमाना है, बस ये देखो मेरा शॉट यहाँ पे आ गया है ना। तो ये इसमें फ़ायदा है मेरे को एक्शन कैमरे से। बस मोस्टली क्या होता है जब भी मैं गाड़ी में होता हूँ ना तो जो व्लॉग करता हूँ मैं अपने एक्शन से ही करता हूँ, और जब बाहर जाता हूँ बाहर निकलता हूँ कहीं आना जाना इधर तो घूमता हूँ मैं तो मार्केट वगैरह के अंदर, तो वहाँ पर मोबाइल बढ़िया रहता है, मोबाइल रखा लो हाथ में और इजीली शॉट ले लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब बात आती है इस वाली डिवाइस की, तो भाई ये किस काम का है? सबसे बेस्ट काम तो इसी का है भाई, पता है कैसे? आपको मैं दिखाता हूँ, चलो आ जाओ। अगर कोई शॉट मेरे को गाड़ी के बाहर से लेना है ना तो ये इसमें सक्शन कप है, काफ़ी हैवी है और इसको मुझे ना सिर्फ गाड़ी के यहाँ पर इस तरह से लगाना होता है, यहाँ पर कैमरा लग जाता है और जो शॉट आता है ना बहुत ही प्यारा शॉट आता है इसकी वजह से। एक शॉट में आपको दिखाता भी हूँ कि किस तरह शॉट में इसे लेता हूँ। अब देखो ये कुछ सेटअप ना मेरा यहाँ पर इस तरह से हो गया है, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा हार्ड है कि ये बिल्कुल यहाँ निकलेगा नहीं, फिर भी मैं इसको ना प्रिकॉशन के लिए यहाँ पर एक मेरे पास रस्सी है तो मैंने उसको यहाँ पे बांध के उसको मैं इससे बांध देता हूँ ताकि इन केस अगर कुछ होता है कि भाई ये निकल जाए गलती से भी तो कैमरा कहीं नहीं जाए, वो वहीं पे लटक जाए, मैं गाड़ी रोक के उसको उठा लूँगा। अब देखो यार ये कुछ शॉट इससे आ रहा है भी है ना, अभी आप देख पाओगे तो मैं अंदर का ये शॉट है ना मैं इससे बड़े ईजी ले पाता हूँ। अब मेरे पास ये माइक है, इसका DJI का ही है, इसकी वजह से मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग को ना यहीं से ऑन और ऑफ कर सकता हूँ अंदर बैठे बैठे, कोई एक्स्ट्रा फुटेज मेरे शूट नहीं होगा, वायरलेस माइक है, वायरलेसली आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये बहुत ही प्यारा शॉट आता है अगर मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाऊँ ना, तो चलो मैं एक बार गाड़ी को घुमाता हूँ यहाँ पर है ना। तो ये कुछ इस तरह से शॉट आता है यार, क्योंकि मुझे बड़ा प्यारा लगता है, मैं जब भी रोड ट्रिप पे होता हूँ तो अभी मैं इसको काफ़ी अभी कम यूज़ कर रहा हूँ अभी इसको थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ लेकिन इन फ्यूचर हम इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अभी थोड़ा डर लगता है ना कि यही कैमरा कहीं गिर ना जाए। तो ये कुछ शॉट था इसका तो मैंने आपको भी दिखाया। अब यार ये इतनी काम की चीज़ है ना, इसको हम थोड़ा क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं कि ऐसा नहीं यहीं पर लगाना है, आप इसको गाड़ी पर कहीं पर भी लगा सकते हो। इसको मुझे अगर साइड का शॉट लेना है तो मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ इस तरह से है ना, अगर मेरे को छत से शॉट लेना है तो मैं इसको जो है ऊपर छत पर सेट कर सकता हूँ, अगर मेरे को सिर्फ यहाँ पर सेट कर दूँ इसको मैं और यहीं से अपना मैं ऑपरेट हाथ से अपना कर सकता हूँ उसको मैं ईजिली। अब सबसे बढ़िया इसमें क्या रहता है पता है, जो मेरा दूसरा कैमरा है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, उसको मैं निकाल लेता हूँ। लाओ और सबसे प्यारे शॉट लेता है ना वो लेता है भाई अपना ये Insta360, इसको यहाँ पे लगा के इसे बस ऑन कर दो और गाड़ी आप चलाओ, यहाँ पे लगा लो उसको, ऊपर लगा लो, आपको उसको साइड में लगाना है, जहाँ पर भी आपको उसको लगाना है ना इसको आप लगा लो और जो शॉट जो वही आपका शॉट निकल के आएगा ना वो बेस्ट शॉट निकल के आता है इसकी वजह से। अगर आप गाड़ी के अंदर व्लॉगिंग करना चाहते हैं ना तो ये तो आपके पास होना मस्ट है। अब ये देखो GoPro का आता है और भी कई कंपनियों के आते हैं लेकिन मेरे को थोड़ा सा ना इसका हमें बाहर अपना कैमरा रखना है अगर निकाल करके तो थोड़ा डर रहता है, तो उसके लिए एक अच्छी कंपनी का ही अगर हम इसको ले लें तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं GoPro को भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ना मुझे कुछ मिल रहा है उससे है ना, तो अपना तो भाई परचेस किया गया है, 3000 रुपये खर्च किए हैं हमने इसके ऊपर अपने। अब मुझे इसे यहाँ पे लगाना है तो मैं यहाँ पे अपना कैमरा लगा के इसको यूज़ कर सकता हूँ बड़ी इजीली, यहाँ का शॉट लेना है बाहर का शॉट लेना है इसको कहीं पर भी विंड स्क्रीन पे कहीं पर भी इसको मैं फिक्स कर सकता हूँ है ना। अभी सारी बात हो गई हमारी वीडियोज़ की कि हमें वीडियोज़ कैसे बनानी है, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है ना, देखो अगर आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी है और ऑडियो अच्छी नहीं आ रही है ना तो यार फिर पूरा आपका व्लॉग बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो खर्चा मैंने किया है ना वो मैंने अपने माइक में किया है, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने वायर वाले माइक लिए थे, फिर एक वायरलेस की मेरे अंदर आई वायरलेस लेना है तो मैंने कई सारे एक दो वायरलेस माइक लिए। अभी रिसेंटली ना मैंने लिया था अपना ये DJI Rode का वायरलेस मी,
काफ़ी अच्छा माइक है, ये कुछ 13-14 हज़ार रुपये का पड़ा था मेरे को उस टाइम पर, है ना। तो इसके थ्रू मैंने काफ़ी टाइम व्लॉग किया, लेकिन इसमें इशू क्या आता था कि ये एक तो डिवाइस पे आपका ये लगाना पड़ता है ट्रांजिस्टर, ठीक है इसका, और दूसरा ये आपको अपने पास अपने जैसे मेरे यहाँ पे ये लग रहा है इस तरह से यहाँ पे आपको लगाना होता है। अब दिक्कत क्या आती थी इसमें मेरे को कि गाड़ी में मेरे को इशू आता था, बाहर चलो ठीक है कोई बात नहीं है, बाहर आप इसको ऑन करके रखो लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, अब गाड़ी में आप चल रहे हो सफ़र होते हैं 8-8 12-12 घंटे के, अब ये ऑल टाइम तो बैटरी इसमें रहती नहीं है, है ना, 8-10 घंटे बैटरी चली जाती है इनकी, तो मुझे बार बार बंद करने पड़ रहे हैं दोनों ट्रांजिस्टर, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था और मेरे को थोड़ा मेरा ध्यान भी मेरा भटकता था कि मेरे को इसको बंद भी करना है अभी, फिर इसको ऑन भी कर, वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मुझे ऑन भी करना है। अभी मैंने ये माइक लिया है DJI का माइक 2, अभी लॉन्च हुआ था, ये आज ही आया भी है। तो यार इससे मेरे को फ़ायदा ये हुआ है कि ना इस ये कन्वीनियंट हो गया मेरे लिए, सिंगल है ये, ब्लूटूथ वायरलेसली कनेक्ट है, इसमें कोई भी दूसरा कनेक्ट नहीं है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर इसका कोई कनेक्ट नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट माइक है, डायरेक्ट ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और बहुत इजीली आप इसको ऑन करो, ऑन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा तुरंत, ठीक है। और इसी के थ्रू आप ना वीडियो ऑन और ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ना यहाँ पर इसकी बटन दी हुई है, इसी से आप वीडियो ऑन कर सकते हो, इसी से आप वीडियो को ऑफ भी कर सकते हो। अभी अच्छा ये अभी ना ANC पे नहीं है, ANC मतलब एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे नहीं है, ठीक है। अभी आपको आवाज़ें आ रही होंगी बाहर की, अगर मैं इसको ये ग्रीन हो गया, अभी ये एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन चला गया है, ठीक है। अभी जो भी अब नॉइस बाहर हो रही है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी इस माइक के थ्रू। तो यार ये तो बात हो गई, खड़े खड़े बात करने पर अलग बात होती है। अब आप बाहर जा करके एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ, है ना। तो आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं, चलो फिर आ जाओ। तो यार ये कुछ सेटअप है मेरा अभी इस समय जो आप देख रहे हो ना, तो ये एक एग्जांपल है। तो यार ये वाला सेटअप है, देखो अभी ये कैमरा आपको आगे की तरफ दिखा रहा है, ठीक है। अभी मेरे को अपने आप को अगर दिखाना है ना तो मैं इजीली इसको जो है इस तरह से मूव कर सकता हूँ अपनी तरफ, तो मेरा ये शॉट टाइटली आ गया। अब मेरे हाथ में कोई कैमरा नहीं है, एक कैमरा मेरा यहाँ पर है और एक कैमरा यहाँ पर है। अब मैं बड़े इजीली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ इन दो माइक्स के थ्रू, है ना। दो माइक से मेरे लगे हुए यहाँ पर अभी, अगर मेरे को आपको आगे का दिखाना है ना अगर, तो मेरे को इसको सिर्फ इतना घुमाना है और ये शॉट आ गया आपका आगे का, है कि नहीं। तो ये कुछ सेटअप है यार, बढ़िया अपना ईजी रहता है अपने आप को, है ना, शूट करना गाड़ी चलाते समय आपको दिक्कत भी नहीं होती है इसके थ्रू। मेरा ध्यान निकल रहा ज़्यादा भटका नहीं, सिर्फ मेरे को आगे देखना है और बटन मेरी यहाँ पर है, इसको ऑन करना है, ये ऑन हो गया, ठीक है। इसको ऑफ करना है, ये ऑफ हो गया, मेरे हाथ के रेंज में, ये मेरे हाथ के रेंज के अंदर ही आ रहा है पूरा कैमरा, तो मेरे को कोई इशू आता ही नहीं है कभी भी शॉट लेते समय।